नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। ये दिवाली खुशियों वाली, ये तो प्रचार में हम सुनते होंगे, पर इस बार हम आपको कहेंगे ये दिवाली पटाखों वाली। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने जो पटाखों पर बैन है उसे हटा दिया है कुछ शर्तों के साथ। पिछले साल 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली NCR में खासतौर पर पटाखे चलाना मतलब बैन रहेगा। हालांकि उसका काफ़ी विरोध भी हुआ, व्यापारिक संगठन हो या फिर धार्मिक संगठन हो, तमाम संगठनों ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा था। 28 अगस्त को आखिरी बार सुनवाई हुई थी, जिसका फैसला आ जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बातें कहते हुए आज ये तुक साफ कर दिया कि पटाखे चलाना इस दिवाली में बैन नहीं होगा, खास करके पूरे देश भर की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा निर्धारित कर दी है। जी हाँ, 2 घंटे ही, यानी शाम 8 बजे से लेके 10 बजे तक ही आप पटाखे चला सकते हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर दिवाली में देखें, जिस तरीके से दिवाली खुशियों का त्यौहार है, पटाखों का त्यौहार है, जो मुबारकबाद का सिलसिला होता है वो तमाम सुबह से लेकर देर रात तक चलता रहता है, ऐसे में सिर्फ 2 घंटे पटाखों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश पर्यावरण को भी देखते हुए दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिवाली के ही मुद्दे पर इस मामले में फैसला नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिसमस पर भी दिवाली की तरह ही पटाखे चलाने का एक समय सीमा निर्धारित कर दिया है। क्रिसमस हो या फिर नया साल हो, इन दोनों अवसरों पर रात के 11:55 से 12:15, यानी सिर्फ 20 मिनट ही पटाखे चलाने का जो समय सीमा है वो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। अब हम आपको बता देते हैं कि इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ऑनलाइन जो पटाखों की बिक्री हो रही थी, जो पिछले साल शुरू हुई थी, उस पर भी बैन लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लाइसेंसधारी पटाखे विक्रेता है, सिर्फ वही पटाखों को बेचे और उन्हीं से पटाखे लोग खरीदें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वायु प्रदूषण को देखते हुए, पर्यावरण को देखते हुए, आप कम शोर और कम धुंध वाले पटाखे ही जलाएं, ताकि पर्यावरण पे इसका बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि ये जो फैसला है ये तमाम सभी धर्मों पर लागू रहेगा। किसी धार्मिक उत्सव में पटाखा चलाना, वो भी बिना किसी की इजाज़त से, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है, यानी आप किसी भी धार्मिक उत्सव में पटाखे नहीं जला सकते हैं। तो ये बड़ी बातें थी जो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा, खास करके पटाखा को लेकर, जो इस दिवाली चलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने तो मंजूरी दे दी है, लेकिन उसके साथ कुछ शर्त भी लगा दी है। फिलहाल प्रभा साक्षी देख रहे थे आप, आपके साथ था मैं अंकित सिंह। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.prabhasakshi.com पर विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।